माय चैनल मेरे साथ। फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी मटन मसाला कड़ी, जिसके लिए हमने लिया है 500 ग्राम मटन, 4 टेबलस्पून दही, लहसुन अदरक का पेस्ट, एक मीडियम चॉप किया हुआ टमाटर, 4 मीडियम कटे हुए प्याज। मसालों में हमने लिया है 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, 1 बड़ा चम्मच मटन मसाला पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 तेजपत्ता, 1 लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको जितना तीखा पसंद है आप उतना ही डाल सकते हैं। थोड़ा सा जीरा, 2 लौंग और 2 इलायची। तो सबसे पहले हम अपने मटन को मैरिनेट करेंगे, उसके लिए हम इसमें दही मिलाएंगे। दही को हमने डाल दिया है, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा मटन मसाला और थोड़ा सा नमक। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और 15 मिनट के लिए अपने फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा मटन मैरिनेट होके तैयार है। अब हमने गैस पे कुकर रख दिया है गर्म होने के लिए। कुकर गर्म हो चुका है, इसमें हम ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मिर्ची, जीरा, लौंग और इलायची। इसमें हम तेज पत्ता को भी डाल देंगे। अब हम इसमें कटे हुए प्याज को डालेंगे। इसको चलाते हुए हमें 5-7 मिनट तक फ्राई करना है, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे अच्छे से मिलाते रहेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपना मटन। अब इसको थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते हुए हमें 5-7 मिनट तक के लिए भूनना है। अब हम इसमें सारे मसाले को एक एक करके मिलाएंगे। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और मटन मसाला। सारे मसाले को हमने इसमें डाल दिया है। अब इसे चलाएंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे मसालों को।
5 मिनट हो गए हैं मसाले को फ्राई करते हुए। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे, एक मिनट तक चलाएंगे। मसाला हमारा भून के तैयार है। अब हम इसमें पानी डाल के ढक्कन को लगा देंगे और 4 से 5 सीटी आने तक पकाएंगे। कुकर के लिड को बंद कर देंगे। चार सीटी आने तक इसे हम पकाएं। हमने 4 सीटी लगा दिया है, ठंडा हो गया है तो हम इसे खोल के अब देखते हैं। ये देखिए मटन बिल्कुल पक के तैयार है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। मटन को हमने निकाल लिया है इस बॉल में। अब हम गार्निशिंग के लिए इसमें हरी धनिया की पत्ती थोड़ा सा डालेंगे इसके ऊपर से। मसाला मटन करी बनके तैयार है। आप इसे गरम गरम चावल, रोटी या फिर किसी भी तरह के पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल मेरे साथ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।